पाल्टन पुणे के बीच डेमू सेवा को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई। श्री प्रकाश जावड़ेकर माननीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन सूचना एवं प्रसारण भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री भारत सरकार ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 30 मार्च 2021 को पाल्टन और पुणे के बीच वाया लोनंद डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 31 मार्च से नियमित डेमू सेवाएं शुरू होंगी। डेमू ट्रेनों की शुरुआत से इस क्षेत्र के लोगों और किसानों को नए बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। पाल्टन रेलवे स्टेशन पाल्टन सिटी सेंटर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सातारा जिले की नगर परिषद है। पाल्टन कृषि के साथ साथ उद्यम आधारित क्षेत्र है। यहाँ गन्ना अनार शिमला मिर्च भिंडी आदि का उत्पादन होता है। इसके अलावा प्रसिद्ध चीनी कारखाने और अन्य कंपनियां इस क्षेत्र में स्थित हैं। रेलवे परिवहन का सबसे सस्ता साधन होने के कारण और पुणे के पाल्टन के बीच सीधी कनेक्टिविटी से किसानों और आम यात्रियों का काफी फायदा होगा। पुणे में शिक्षा प्राप्त करने वाले विभिन्न निजी और सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे पाल्टन के निवासियों को पाल्टन से पुणे और वापसी के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी। समारोह को संबोधित करते हुए श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि श्री पीयूष गोयल माननीय रेल वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के मार्गदर्शन में रेलवे में व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बायो टॉयलेट के उपयोग से पटरियों और स्टेशन प्लेटफार्मों को स्वच्छ बनाया गया है। यह स्वच्छ भारत का एक आदर्श उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज़, पुणे, महाराष्ट्र।